सो दोस्तों, अगर आप अपने लिए या फिर अपने पेरेंट्स वगैरह कोई अच्छा सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं या फिर आप अपने लिए कोई सेकेंडरी डिवाइस परचेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 8000 रुपीस। तो दोस्तों वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं पोको का C31। देखा जाए तो ये फोन थोड़ा सा पुराना है, पर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज काफी अच्छा मिल जाता है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। और बात करें डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर 6.53 इंचेस की HD+ की IPS LCD पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिलता है और अप टू 450 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में 60Hz की रिफ्रेश रेट भी आपको मिलेगी। सो डिस्प्ले बजट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। साथ ही परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको MediaTek का हीलियो G35 वाला चिपसेट मिल जाता है, जो कि 12nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, बट आपको इस बजट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। डेली टास्क और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर डिसेंट गेमिंग करना चाहें तो उसमें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे दोस्तों, और जैसा कि मैंने कहा, ये फोन थोड़ा सा पुराना है, तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 10 पर आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। सो अगर आप यहाँ पर इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 6499 रुपये। वहीं पर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 7499 रुपये। तो बात कर लेते हैं आप लिस्ट के अगले फोन की, और ये फोन यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022। ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों डिजाइन यहाँ पर काफी यूनिक आपको मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.7 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पर आपको फुल HD+ का रिजोल्यूशन और 550 नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही साथ एनर्जी का प्रोटेक्शन और 60Hz की रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर दिया गया। इमेज आउटपुट आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाते हैं। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक का T610 का चिपसेट। हालांकि 12 नैनोमीटर पर आता है, पर आपको यहाँ पर इस बजट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। डेली टास्क में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है और आप यहाँ पर अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाली स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी, 10 वॉट की चार्जिंग, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है, 3.5mm का जैक लगा हुआ है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर। हालांकि थोड़े मोड़े बग्स होते हैं, थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर्स होते हैं, पर आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। सो देखा जाए तो इस बजट के अंदर आने वाला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 7499 रुपये। तो बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ, और दोस्तों अगला स्मार्टफोन है यहाँ पर ओला का E40। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ की IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 450 की नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले बजट के अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, साथ ही में 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ है और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक का T700 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला एक काफी तगड़ा चिपसेट है। आपको डेली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, गेमिंग वगैरह भी आपको काफी अच्छी करा देता है। वहीं पर इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाली आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है, परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही पावर हाउस की बात करें तो 5000mAh की बैटरी लगी हुई है,
साथ ही 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है दोस्तों वो आपको इस फोन के अंदर बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि बिना किसी ब्लॉटवेयर वगैरह के आता है, तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की प्राइसिंग की दोस्तों। तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 7,999 रुपए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ। और दोस्तों इस लिस्ट का अगला फोन है यहाँ पर रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी का 10। दोस्तों ये फोन आपको डिजाइन और बिल्ड के मामले में काफी स्ट्रांग मिल जाता है, साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी HD+ की IPS LCD पैनल, लगभग 400 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 63Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर वाइट बाइल एलमर का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर दिया गया। वैसे आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। आउटपुट की बात करें तो आपको यहाँ पर डिसेंट आउटपुट भी मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं up to 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट, और ये चिपसेट इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततु पर लगभग 2 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस बजट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छे स्कोर्स हैं। तो आपको यहाँ पर डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 इसकी रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी दिया गया है, तो फोन की परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000mAh का बड़ा सा बैटरा भी मिलेगा, साथ ही में 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन। और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के MIUI 12, बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो फोन अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 2GB की वर्चुअल रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे इस समय लगभग 9,500 रुपए पर। दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन आपको मिल रहा है 8,499 रुपए की प्राइस पर। दोस्तों इस लिस्ट का अगला फोन भी थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन फोन काफी अच्छा है। दोस्तों ये फोन यहाँ पर रियलमी का C31। ये फोन डिजाइन और लुक के मामले में काफी कमाल का है, और साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग आपको मिलती है। वहीं पर अगर हम फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 400 नीट्स की ब्राइटनेस। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया। साथ ही कैमरा UI में आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। रही बात सेल्फी कैमरा की, तो आपको यहाँ पर मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप यहाँ पर ठीक है, आउटपुट आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे up to 30 FPS, और फ्रंट से आपको यहां पर HD+ की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा up to 30 FPS। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक का T612 का चिपसेट। हालांकि दोस्तों ये 12nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, लेकिन ये स्मार्टफोन 2 लाख के ऊपर के स्कोर आपको निकाल कर देता है। सो देखा जाए तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, गेमिंग वगैरह भी आप यहां पर काफी अच्छी कर सकते हैं, तो उसमें आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जहाँ पर 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, लेकिन याद रहे कि आपको यहाँ पर माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और हाँ दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये फोन भी काफी अच्छा है, काफी गुड लुकिंग है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। 3GB रैम 32GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे लगभग 8,800 रुपए पर। दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन आपको मिलेगा 7,800 रुपए की प्राइस पर, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थे वो टॉप 5 बेस्ट फोन जो कि आपको इस समय मिल रहे हैं लगभग 8 से 8,500 रुपए की प्राइस पर। तो आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक फोन की तरफ देख सकते हैं। सभी के बेस्ट पाई लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।